हल्द्वानी में एलएलबी के छात्र से लूट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों आरोपियों ने एलएलबी के छात्र से मोबाइल चोरी के शक में लूटपाट और मारपीट की। जानकारी के मुताबिक आरोपी आराध्य का मोबाइल चोरी होने का शक पीड़ित गौरव पांडे पर था, जिसके बाद तीनों आरोपियों ने योजना बनाकर पीड़ित गौरव के साथ मारपीट कर उसका मोबाइल और बाइक लूट ली और उसका वीडियो भी बना लिया। पुलिस ने बाइक और वह मोबाइल भी बरामद कर लिया है, जिससे पीड़ित का मारपीट के दौरान वीडियो बनाया गया था। पुलिस अब अपराधियों का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। इसमें वादी गौरव पांडे हैं, जिनके साथ में मारपीट हुई है और मारपीट के बाद में इनकी एक मोटरसाइकिल और एक इनका मोबाइल, इन्हें आरोप, इनके द्वारा आरोप लगा गया है कि 3 लोगों के द्वारा वो छीना गया है मारपीट के साथ, साथ में गाली गलौज जिसको करी है। मारपीट और इसका जो सामान छीना है उसका कारण वादी के द्वारा बताया गया, ये लोग शक कर रहे थे आराध्या रावत जो हैं, जो इसमें अभियुक्त भी हैं, उसका मोबाइल वादी के द्वारा चोरी किया गया है, तो उसके आधार पर, शक के आधार पर इसके साथ मारपीट करी और उस मारपीट का इन्हीं के द्वारा, अभियुक्तों के द्वारा ही एक वीडियो बनाया गया। तो जब इसका मुकदमा पंजीकृत हुआ, विवेचक को प्राथमिक रूप से ये जो इनके द्वारा गवाही दी गई वो सही पाई गई, तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है। लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद हो गई है, इनके जो मोबाइल छीना था वो भी बरामद हो गया है और एक वो मोबाइल जो कि अभियुक्तगणों द्वारा घटना को कैद किया गया, खुद ही बनाया गया, वो मोबाइल भी बरामद हो गया है। अब माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जाएगा।